हाँ साहब, सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पितातुल्य सभी बुजुर्ग एवं मेरे नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार वे गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मां शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन कमेटी के सभी अध्यक्ष, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोंकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखिए सभी कलाकार आपके सामने एक चेक भरकर है, मैं तो उनकी जो चरणों की रज हुआ करती हूँ उसके भी बराबर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगी। भैया जी, किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और देखिए बड़े ही प्यारे सुंदर शब्दों को लिखा। भैया रामवीर कैसे, कि एक साहब और घर से चले और ये नजर एक अंधे पर पड़ी और एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी। और ये 1,00,000 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र सिंह जी, थानेदार जी, खेमरा वाले, मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव कहा एक बात पूछूं सूर जी और क्या ये बता दी जाएगी और तुम आंखों से अंधे हो घड़ी किस काम तुम्हारे। तो देखिए सूरदास जी ने उस व्यक्ति को बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, भैया रामवीर कैसे, कि तू भी खुदा का बंदा है और ये मैं भी खुदा का बंदा हूं और तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से चल इस घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा दी जाएगी और तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। भैया जी सुनिएगा क्योंकि आप कुछ सुनने के लिए बैठे हैं और देखिए कवि कह रहा है बड़ी प्यारी सुंदर लाइनों को, भैया रामवीर कैसे, कहा और बिन भक्ति के ये चंदन अच्छा नहीं लगता क्या, और बिन भक्ति के ये चंदन अच्छा नहीं लगता क्यों, और बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता। और कहा एक भाई चाहिए, भैया एक भाई चाहिए और बहन की रक्षा के लिए। और देखिए बात, और देखिए निवेदन है, बैठे रहते कोई बात ना है बाबा, डिस्टर्ब मत करो। हाँ जा भैया कहा, और देखिए एक बार निवेदन करूंगी सभी से, प्रेम से बोलेंगे सभी, बोल के राज महाराज की, कहा और एक भाई चाहिए और बहन की रक्षा के लिए। और देखिए बात अच्छी और सच्ची लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। भैया एक भाई चाहिए और बहन की रक्षा के लिए, क्योंकि
बिनु बहन के भैया बिनु बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता। बिनु बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता। कमर पे फेंटा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो बिन दूला कमर पे फेंटा अच्छा नहीं लगता। और भेलिए वो भेलिए ले जाए रहे हो चेता अच्छा नहीं लगता। भैया भेलिए ले जाए रहे हो चेता अच्छा नहीं लगता। और हाँ एक पंच चाहिए क्या भैया एक पंच चाहिए पंचायत के लिए। और एक बात फिर से अच्छी और सच्ची लगी तो फिर से तालियों का स्वाद भैया एक पंच चाहिए पंचायत के लिए। क्योंकि पंचन में पंच कने का अच्छा नहीं लगता। वो पंचन में पंच कने का अच्छा नहीं लगता। और ये 51 रुपए का पुरस्कार वकील भाई साहब सुनीता के लिए और 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर ढोलक वादक के लिए नाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो कहा ना कि संगीत वो शक्ति है। भैया जी संगीत वो शक्ति है। हर स्वर में बसे ही राग रागी सुनाए रागनी तो रोगी को मिले। ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। प्रसंग उस समय का है सज्जनों। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। आहा सज्जनों वहां जाकर के रानी द्रौपदी ने एक दृश्य देखा एक नजारा देखा। भैया जी कहा कि जल के हेत चली पांचाली। कहा जल के हेत चली पांचाली जाने गागर शीश उठाइए। अरे गावत गीत मल्हार का मुनिबा गंगा तट पे कि देखो दृश्य किनारे जाए के। भैया देखो दृश्य किनारे जाए के और ऊंचे स्वर चिल्लावे अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी ने देखा एक व्यक्ति चिता बनाकर के बैठा है। उस चिता में अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है। जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही भैया रामवीर होता क्या है सुनिएगा। कहा हेरे ले देखो दृश्य और दंग भई मन में और द्रोप सुता को लाई है और बैठो पीर चिता के अंदर अग्नि दयो लगाई है। छोड़ी चली पांचाली गागर
हरि कहे नानू को अपनी क्यों रहे देह चलाई। भैया जी आजकल हमारे समाज में एक चीज का प्रचलन कुछ ज्यादा हो गया और सुनिएगा वो चीज क्या है भैया रामवीर। कहा क्या? अरे बूढ़े बड़े बाप दादे हम तो नहीं थे रामने जनता हूं डोल डोल। कहा बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूखे प्यास से जी रहे हैं। ऐसा करियो नंबर कटवा दी तुम्हें हाथ जोड़े शांति बना के बैठे रहो। भैया कहा अरे बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूखे प्यास से जी रहे हैं क्यों? अरे उनके बेटा उनके छोरा उनके लल्लू चौराहे पे खुल के पौआ पी रहे। लेकिन भैया जी देखिए वो कहा है ना कभी ने क्या जो देता दुख गरीबों को क्या और जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं क्यों? और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। और जैसे ही रानी द्रौपदी ने देखा भैया जी रानी द्रौपदी कह रही है कहा कि पास पुरुष के पहुंची वाला और बोली ऐसी बानी है अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देहे त्यागन की सो कौन गाम कहा नाम तुम्हारो। कहा है परदेसी कौन गाम कहा नाम तुम्हारो और क्यों नाम ओए बतावे अरे भैया क्यों प्राण खावे। आहा सजनो रानी उस व्यक्ति से कह रही जो चिता बना करके बैठा है और सुनिएगा कैसे भैया रामवीर। कहा अरे एरे कैसी आसन मार हाय बाबू रे अरे बाबू रे और ऐसो कहा बनुआ तो ते तू
परदेसी ऐसी कहानी थी है गई संग में। लेकिन कह रही है तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो क्या। ओहो बाहर परदेसी ऐसी कहानी थी है गई संग में क्यों। अरे एरे तेरी रोवेगी भैया, एरे तेरी रोवेगी, हम तेरी रोवेगी, भैया तेरी रोवेगी, फतुआ से मोहकी सुनिएगा। समय का भाव, अब सुनिए साहब गाना। और गाना भी क्या देखिए, अभी अभी मानिए हमारे उदयवान भाई साहब गा करके गए भैया जी। देखिए कह रहे थे कि वो एक पत्नी कह रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये रोने का वक्त नहीं है। आज का जो वक्त है वो केवल जवाब देने का है। जब पाकिस्तान ने हमारे 44 जवानों को खत्म कर दिया, भारत का वीर सिपाही भैया जी भारत की सीमा में खड़ा हुआ और उस पाकिस्तान से चैलेंज दे रहा है। और कैसे भैया रामवीर, कहा के वीर धोखे से मारे, कहा है पाकिस्तान और भारत के वीर धोखे से मारे और उनकी हो गई है कुर्बानी। और लेकिन हमने किया क्या क्या, और 12 दिनों में, अरे 12 दिनों में बदलो ले लियो, हम हैं हिंदुस्तानी। और कहा इमरान खान, सुन इमरान खान तेने पाकिस्तान के चारों ओर लगा ही लिए तारे भैया। इमरान खान तेने पाकिस्तान के चारों ओर लगा ही लिए तारे, अरे 350 आतंकी तेरे घर में घुस के। लेकिन अरे भयो सवेरो खबर पड़ी तो क्या, अरे भयो सवेरो खबर पड़ी तो और तो याद आ गई नानी। लेकिन अरे 12 दिनों में बदलो ले लियो, हम हैं हिंदुस्तानी। और कहा भैया, अरे ठोके ताल अखाड़े में मारो मोदी खुल्लम खुल्ला क्या, अरे ठोके ताल अखाड़े में मारो मोदी खुल्लम खुल्ला क्यों। और गिन गिन कीजिए मारेगो सब पाकिस्तानी भैया, अरे गिन कीजिए मारेगो सब पाकिस्तानी मुल्ला। ओए अरे कश्मीर पे नजर करी तो क्या, अरे कश्मीर पे नजर करी तो ओए वो तेरी मीटिंग नाम निशानी क्यों। अरे 12 दिनों में
हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए ते निन्नी मुकल है की खोदी भैया। अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए ते निन्नी मुकल है की खोदी ओए हो तेरी दाढ़ी पकड़ उखारे वो भारत को नरेंद्र लेकिन तीली नदी तेरी बंद कर दही या क्या। अरे तीली नदी तेरी बंद कर दही और अब कहां के पीवे पानी क्यों और बारह दिन में बदलो ले लियो हम है हिंदुस्तानी हम सबसे हिंदुस्तानी जो भी तेरे वैसे ब्याह के देखे छोकरे नु भैया जी कहा। अरे जो भी तेरे अपनाए तेरे काटे सब हद कन्ना और देखे जो हमारा भारत का वीर है उस वीर की एक इच्छा और है अगर आप भी वही चाहते हैं और आपको अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद भैया कहा क्या। अरे जो भी तेने अपनाए तेरे काटे सब हद कन्ना और उस वीर की इच्छा के लाहौर में जाए के भैया और लाहौर में जाए के लहरावे मेरी भारत माँ को बचूदराम पक्के पाकिस्तानी बैठे भैया और लाहौर में जाए के लहरावे तेरी भारत माँ को झंडा लेके। अरे पीरों की हम